हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी जीके गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किसका स्लोगन है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किसका स्लोगन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। दोस्तों उज्ज्वला योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो LPG कनेक्शन से। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उज्ज्वला योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो LPG कनेक्शन से। लेकिन उज्ज्वला योजना का स्लोगन क्या है? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालिमा योजना। दोस्तों लालिमा योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सरकार ने महिला प्रसूति सहायता के लिए एक योजना शुरू किया है जिसका नाम दिया है लालिमा योजना। या लालिमा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो महिला प्रसूति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ खोला गया? भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दो देश जो ICC का पूर्ण सदस्य बना है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड और अफगानिस्तान। दोस्तों आयरलैंड और अफगानिस्तान जो है ये ICC का पूर्ण सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन सेवा किस देश का है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन सेवा किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा कतर एयरवेज। कतर एयरवेज जो है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश है दीपक मिश्रा, और दीपक मिश्रा जो है भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश है, और यह किस राज्य के हैं? तो उड़ीसा का, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक साफ़ सुथरा स्टेशन कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। अगला सवाल है, भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन जो है वो बिहार में है, जो कि भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। अगला सवाल है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों फ्रांस के प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप जो है ये फ्रांस के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल माइक्रोन। इमैनुअल माइक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर में शामिल किया गया है? भारत के किस शहर को विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई और कोटा को। दोस्तों मुंबई और कोटा दो ये भारतीय शहर हैं जिसे विश्व के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन है? तो दोस्तों भारत का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सबमरीन केबल प्रारंभ करने वाला कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। दोस्तों रिलायंस जियो जो है ये विश्व का सबसे लंबी सबमरीन केबल प्रारंभ करने वाला कंपनी बन गया है। अगला सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी नागरिकता हासिल करने वाला देश? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। दोस्तों इंडिया जो है विश्व में सर्वाधिक विदेशी नागरिकता हासिल करने वाला देश बन गया है। अगला सवाल है, भारत का वह प्रथम रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ महिला कर्मचारी काम करती है? भारत का वह प्रथम रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ महिला कर्मचारी काम करती है? तो आंसर हो जाएगा माटुंगा रेलवे स्टेशन। दोस्तों माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में है, जहाँ सिर्फ महिला वर्कर ही काम करती है। और अगला सवाल है, यूएनओ 2017 किस रूप में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा विकास हेतु सतत पर्यटन। विकास हेतु सतत पर्यटन के रूप में यूएनओ ने अपना ये 2017 को मनाया है। और
लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया 2017 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी शब्द कौन सा है, तो आंसर जगह आधार। दोस्तों आधार को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल यानी कि शामिल किया गया है जो कि 2017 का सर्वश्रेष्ठ वर्ड हिंदी वर्ड माना गया है। इसे हिंदी का सबसे सर्व शब्द जो है 2017 में किसे चुना गया है, तो आधार को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें, और कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था सिलेक्टेड था तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। बाय बाय।